हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभांश उपाध्याय। आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट फ्रॉम द सेकंड ईयर ऑफ इम्पैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट। टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग। आप और हम अच्छे से जानते हैं कि इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे हैंड वॉशिंग की इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। एंड एज अ पैरामेडिकल स्टूडेंट, आपको और हमें इनिशियली समझाया जाता है कि हैंड वॉशिंग की इम्पॉर्टेंस हमारी कैरियर में कितनी ज़्यादा होती है। हम कितने लोगों के साथ, कितने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कॉन्टैमिनेट होने का, डिसीज्ड होने का। हमें ये इनिशियली बताया जाता है कि हैंड वॉशिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आर कैरियर। ओके, सो नॉर्मली जो लोगों को नहीं इतनी इंपॉर्टेंस होती है हैंड वॉशिंग की, जो अननोन पीपल्स होते हैं या अनएजुकेटेड सोसाइटी होती है, इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे वो भी एजुकेटेड हो गए हैं रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग, क्योंकि उन्हें भी पता है हैंड वॉशिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेपन टू स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग कॉन्टेमिनेटेड और टू बी एट अ सेफ साइड। सो इस टाइम पे हैंड वॉशिंग डे का इम्पॉर्टेंस एंड हैंड वॉशिंग की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो शायद हमें नहीं पता होंगे, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमें हैंड वॉशिंग हमेशा रनिंग वाटर में करनी चाहिए, क्योंकि रनिंग वाटर में हमारी विस्कोसिटी जो होती है वाटर की, वो हमारे जर्म्स को अच्छे से क्लीन ऑफ कर देती है। सेकंड पॉइंट है, हमें हमेशा जब भी हमारा हैंड वॉशिंग हो जाए तो हमें फटाफट से उसको ड्राई अप करना चाहिए, क्योंकि US की स्टडीज़ के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कॉन्टेमिनेटेड होने का रिस्क होता है वो हमारे वेट हैंड्स में होता है। सो जल्दी से जल्दी हमें उसको वेट करना चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप मूवी थिएटर्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वॉशरूम्स में ड्राई करने के लिए मशीन्स होती हैं अपने हैंड्स, वो इसीलिए होती हैं कि जल्दी से कोई वॉश करे तो वो ड्राई अप हो जाए। दूसरी बात, जब भी हमें हैंड वॉश कर रहे हैं, अगर हम कंफर्टेबल हैं या हमारे पास आसपास कोई क्लोथ है जिससे हम वेट कर रहे हैं, उसी क्लोथ से हमें उस टैप को क्लोज करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको डायरेक्ट अपने हैंड से टैप को क्लोज करें। क्योंकि हो सकता है कि प्रीवियसली या किसी ने भी, आपने भी उसको जब टैप को ओपन किया तब आपके हैंड्स में जर्म्स हो, एंड आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स वो जर्म्स दोबारा आपके हैंड पे स्टिक हो सकते हैं। तो लेट मी गिव यू अ स्मॉल डेफिनेशन ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग होती क्या है? हैंड वॉशिंग इज अ सिंपल टेक्निक ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर to remove micro organisms, to remove bacteria, viruses, grease, any type of dirt or any type of unwanted substance from your hands. So, इसके कुछ steps होते हैं, वो हम अब discuss करने वाले हैं। Let me tell you the final thing जो मुझे लगता है अपने हिसाब से कि आज हम लोग अगर safe हैं इस corona pandemic के time पे, तो सिर्फ और सिर्फ hand washing की वजह से ही safe हैं। क्योंकि अभी तक कोविड की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है जिससे हम सेफली हम फ्रीली घूम सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा सेफ्टी है कोरोना से, इट इज़ ओनली हैंड वॉशिंग एंड हैंड सैनिटाइजर्स। एक थ्योरी के हिसाब से ये रिवील हुआ है कि हैंड वॉशिंग इज़ मोर इफेक्टिव देन अ हैंड सैनिटाइजर, बिकॉज अगर हमारे हैंड्स डर्टी हैं, लाइक उस पर डस्ट है या कुछ है, तो हम जब उस पर सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स स्टिक रह जाते हैं, वो क्लीन अप नहीं होते। एंड हैंड वॉशिंग के टाइम पे वो क्लीन अप भी होते हैं, एंड बैक्टीरिया अगर कोई स्टिक है तो वो भी क्लीन अप हो जाता है इजीली। सो अकॉर्डिंग टू दैट, आई पर्सनली प्रेफर कि आप हैंड वॉशिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दें देन अ हैंड सैनिटाइज़र। मैंने काफ़ी नोट किया है इस टाइम पे सैनिटाइज़र बहुत अवेलेबल हैं, तो लोग हैंड वॉशिंग की जगह सैनिटाइज़र का यूज़ ज़्यादा करने लगे। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड जहाँ तक मैंने स्टडीज़ की है, हैंड वॉशिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ हैंड सैनिटाइज़र। एंड सेकेंड इज़ कि आप जब भी हैंड वॉश करें तो कोई भी एंटी बैक्टीरियल सोप, लिक्विड सोप का यूज़ करें, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल सोप्स होते हैं वो हम जब उसको यूज़ करते हैं तो उस पर बैक्टीरिया स्टिक रह जाते हैं। एंड मैं पर्सनली कहता हूँ आपको या एडवाइस करता हूँ कि आप जो भी सोप यूज़ करें वो एंटी बैक्टीरियल लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ करें, क्योंकि वो हमारे टच से दूर रहता है एंड हम उसको वॉश ऑफ करने के बाद हम उसको दोबारा टच नहीं करते। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीनिंग। हमें हैंड वॉश किस तरह करना चाहिए? नॉर्मली हम एज अ पैरामेडिकल स्टूडेंट, हमें सिखाया जा चुका है
and still we are repeating it on this special occasion. So let's go and I will show you some good how to hand wash. So thank you so much for watching this video. Be safe and happy hand washing day. Thank you. Hello everyone, I am Yogita from Dialysis Department, 3rd SEM. Today I am going to tell about you some steps related to hand hygiene. साबुन लेंगे सोप लेंगे अच्छे से सोप लगाएंगे फर्स्ट स्टेप इज पाम टू पाम एंड सेकेंड बैक ऑफ द पाम वाइस वर्सा देन पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलॉक्स Then knuckles, vice versa. Then thumb, tip of the finger on the palm, rotating. Then wrist. अच्छे से अपने हाथ को धोएंगे Hi friends, I am Prerna Pandey, the student of Impact Paramedical and Healthcare Institute. आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं क्योंकि आजकल जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोविड से सफर कर रहे हैं अगर हम अपने हाथों को हाइजीन रखें और मास्क पहने और इन सब चीज प्रॉपर प्रिकॉशन रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं उसमें एक मेन चीज ये भी है कि हम अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करें तो ऐसा नहीं है हम बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगह पे होते हैं जहां हमें पानी नहीं मिलता है हैंड वॉश करने के लिए तो वहां पे हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं अपने हैंड सैनिटाइज करने के लिए मतलब जर्म्स फ्री करने के लिए डिसइंफेक्ट करने के लिए तो उसको हमारे हैंड को क्लीन करने के हाइजीन करने के 7 तरीके होते हैं नंबर पहला हम जहां पे पानी नहीं है उस जगह पे सैनिटाइजर का यूज करेंगे क्योंकि जनरली हम बाहर होते हैं तो हमने पहले सैनिटाइजर को लिया अपने हाथों पे प्रॉपर अमाउंट में डाला ठीक है और हाथों को गीला किया नंबर सेकंड
पहले हम इसको ऐसे रब करेंगे। नंबर थर्ड, पीछे की तरफ से रब करेंगे। नंबर फोर्थ, ऐसे अपनी उंगलियों के बीच में रब करेंगे। नंबर फिफ्थ, हम ये करेंगे। नंबर सिक्स जो है अपने थंब को। एंड नंबर सेवन, सो दिस इज द प्रोसेस टू मेंटेन द हैंड हाइजीन। सो कीप हाइजीन एंड मेंटेन योर हेल्थ, बी सेफ। थैंक यू। Hello everyone, my name is Abdul Wahab. I am a student of Group 4 Science. So today I will talking about hand hygiene. So first step of hand hygiene, palm to palm. And second step, palm to over the dorsum. And second, left palm to right dorsum. And next, steps three, interlacing. And fourth step, interlocking. And fifth, my name is Kailash Patel. I am from MLK department from third semester. Today I will show you how to wash your hand because it is important in controlling infections. So first, we wet our hands with water. Then we apply soap. Then we rub palm to palm. Then back to your palm. In each hand. Then we rub palm to palm with finger interlaced. Then we rub knuckles properly. Then we rub each thumb of your hands in rotating motion. Then we rub fingertips in rotating motion. After that, we rest each hand thumb rest properly. After that, we rinse your hand with water. Then we close the tap. Then we wait for the dry hand. After that, thank you. Then your hands are clean.